देश अपनी आज़ादी का 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत की। देश विदेश में जहां भी भारतीय हैं, वे वहीं पर गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहे हैं। भव्य परेड के आयोजन ने सबका मन मोह लिया। 10 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस अवसर पर देश का गौरव देखा। प्रख्यात संगीतकार इलैया राजा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी समेत 85 लोगों को वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 16 विदेशी अप्रवासी भारतीय शामिल हैं, जबकि 3 को ये सम्मान मरणोपरांत दिया जाएगा। संगीतकार इलैया राजा को 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोंड कलाकार भज्जू श्याम को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वे मध्य प्रदेश की पारंपरिक आदिवासी पेंटिंग शैली के कलाकार हैं। श्याम का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। वे आजीविका के लिए रात्रि सुरक्षा गार्ड और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर 2 महिलाओं सहित दिल्ली पुलिस के 22 कर्मियों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिल्ली पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसी तहत CISF, ITBP, NDRF के जवानों को भी उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त अतर सिंह और विशेष शाखा में तैनात निरीक्षक रविंद्र कुमार त्यागी सहित दिल्ली पुलिस के 3 कर्मियों को वीरता के लिए पुरस्कार पदक से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में राजनीतिक दलों का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दिल्ली के बवाना आग कांड के बाद मुंडका इलाके में एक के बाद एक 3 फैक्ट्रियों में आग लग गई। आग पहले जूते के सॉल बनाने की फैक्ट्री में लगी, उसके बाद आग ने चप्पल बनाने की 2 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग से किसी भी फैक्ट्री कर्मचारी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने काले धन के एक मामले में गिरफ्तार 2 कारोबारियों की जमानत मंजूर कर ली है। दरअसल पिछले साल 8 दिसंबर 2017 को एक निचली अदालत ने दोनों कारोबारियों वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र कुमार जैन की जमानत नामंजूर कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में ईस्ट दिल्ली MCD ने कन्वर्जन चार्ज कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे और अपना कन्वर्जन चार्ज जमा किया। नगर निगम के दफ्तरों में लंबी लाइनें और भीड़ के चलते व्यापारियों का वक्त बर्बाद होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये कैंप लगाया गया। हापुड़ रोड पर गांव गदाना के सामने 19 वर्षीय बाइक सवार युवक अमित उर्फ डिल्लू को एक कार ड्राइवर ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद घायल युवक को निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। दिल्ली NCR में कोहरे से लोग परेशान हैं। कोहरे के कारण रोजाना कई ट्रेन रद्द हो रही हैं। इसी क्रम में आज भी कुल 21 ट्रेनें रद्द हो गयी। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे प्रशासन ने 11 ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। वहीं 43 रेलगाड़ियां पहले से ही देरी से चल रही हैं।